लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेरुल में तमाम गरीबों और जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न किट का वितरण किया गया। यह जनसेवा कार्यक्रम मुंबई रत्न समाज सेवी सलीम सारंग के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जहाँ एनसीपी अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष सुल्तान मालदार और सन्नी वालिका समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेताओं ने यहां 300 से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन किट बांटा और उन्हें आगे भी मदद का भरोसा दिलाया। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेरुल सेक्टर 25 में खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी मुंबई रत्न सलीम सारंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 300 से अधिक स्थानीय नागरिकों को मुफ्त राशन किट बांटी गई। इस अवसर पर एनसीपी अल्पसंख्यक नेता सुल्तान मालदार और समाज सेवी सन्नी शंकर बालिका खासतौर पर मौजूद थे। सलीम सारंग ने कहा कि जब से लॉकडाउन लगा है, वे मुंबई और नई मुंबई समेत कई ठिकानों पर 8,000 से अधिक परिवारों को राशन किट बांट चुके हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार दिन रात जनता की सेवा में जुटे हैं, इसलिए उनके जन्मदिन पर जरूरतमंदों को खाद्यान्न बांट कर हमने अपने नेता को सच्ची सौगात देने की एक कोशिश की है। एनसीपी नेताओं ने विश्वास जताया कि लॉकडाउन के आर्थिक संकट में ऐसी सहायता परेशान जनों के लिए बड़ी राहत बन सकती है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, अनाज वितरण करने का इसमें दो मकसद थे। एक तो कल हमारे लीडर अजीत दादा का बर्थडे था, तो उनका इंस्ट्रक्शन था कि बैनरों में इसमें पैसे वेस्ट ना किया जाए। उसमें वेस्ट होता वो लोगों के कुछ काम नहीं आता, तो उसकी जगह पे हमने लोगों को अनाज बांटा। अब अनाज बांटने के इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तो माइनॉरिटी का है, लेकिन ये काम जो लोगों को जो भूख लगती है वो उसका माइनॉरिटी से कोई कंसर्न नहीं है, भूखों का कोई मजहब नहीं होता। तो हमारा मकसद यही था कि हम लोगों के लिए अनाज बांटे और हमारे ऑपोजिशन भी हमारे को देख के इसके दुगना काम करे, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बेनिफिट होनी चाहिए। और लोगों की दुआ से मुझे मुंबई रत्न का अवार्ड मिला है, ये लोगों की दुआ से कि मैं लोगों के लिए अनाज का बांटने का काम पिछले 5-6 महीने से लगातार कर रहा हूँ। अब मैंने लगभग 8,000 से 9,000 घरों को राशन बांटा हूँ। कोशिश है और ये कोशिश कितनी कामयाब होगी वी कैन नॉट अश्योर, वी कैन नॉट से। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू फुलफिल दिस और ऑन बिहाफ ऑफ एनसीपी माइनॉरिटी वी थैंक्स सलीम भाई एज वेल एंटायर टीम ऑफ माइनॉरिटी ऑल माय थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी ऑन इंडिया।